दोस्तों, इस रिपोर्ट में हम बात कर रहे हैं वेटरन एक्ट्रेस शर्मिला टैगोर के बारे में। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं शर्मिला टैगोर की उस स्टेटमेंट के बारे में जिसमें शर्मिला ने खुद से ही ये रिवील किया था कि उन्होंने अपनी संपत्ति को बांटने का फैसला लिया है। जी हाँ, आपको जानकारी देना चाहेंगे हमारे इस रिपोर्ट में। बेटे बहू सैफ और करीना से अलग दिल्ली में रहती है शर्मिला टैगोर। रह सकती है वो मुंबई में, लेकिन दिल्ली में ही उन्होंने रहने का लिया फैसला। शर्मिला टैगोर पिछले कई सालों से दिल्ली में पटौदी पैलेस में रह रही हैं। वो पटौदी पैलेस जो कि पटौदी परिवार का पुश्तैनी बंगलो है और उस बंगलो की कीमत अरबों रुपये में है। उस पूरे बंगलो को चलाती है शर्मिला टैगोर, वही मैनेज करती हैं इस बंगलों को। उस बंगलों को लेकर हर फैसले शर्मिला टैगोर लेती हैं। अब यहाँ हमारे इस रिपोर्ट में बताएंगे, मुंबई में सैफ करीना का दो दो आशियाना है, बावजूद इसके शर्मिला दिल्ली में सेटल्ड है क्योंकि पटौदी पैलेस से उनका लगाव पुराना है। पति के रहते हुए वो इस पैलेस में इतनी यादें बना चुकी हैं, इतनी यादें जुड़ी हुई हैं पति के साथ उनकी इस पटौदी पैलेस से, इस पैलेस को वो नहीं छोड़ सकती हैं। इसके अलावा उन्हें इस घर में सुकून मिलता है। हम बात करने वाले हैं शर्मिला टैगोर की संपत्ति के बंटवारे की। शर्मिला ने एक स्टेटमेंट दिया कुछ समय पहले और इस स्टेटमेंट में उन्होंने बताया, उनके पति जब इस दुनिया में थे तभी मंसूर अली खान पटौदी ने शर्मिला टैगोर की संपत्ति के लिए उन्हें फ्रीडम दी थी कि वो अपने हिसाब से अपनी संपत्ति के लिए फैसले ले। शर्मिला ने अपनी संपत्ति को अपने बच्चे अपने पति से हमेशा अलग रखा। अपनी ज्वेलरीज, अपने अकाउंट्स, अपने जायदाद, अपने पैसे, अपने फाइनेंशियल हर चीज़ एसेट्स सबको पति से अलग खुद ही हैंडल किया। शर्मिला के इस खुलासे से पता चल गया है कि शर्मिला टैगोर की संपत्ति का जब बंटवारा होगा तो बच्चों में बटेगा, लेकिन शर्मिला खुद अपनी मर्जी से अपनी संपत्ति बांटेंगी। फिलहाल पटौदी पैलेस सैफ नहीं, शर्मिला और उनके पुश्तैनी जायदाद में से एक है। सैफ करीना के नाम नहीं है पटौदी पैलेस। शर्मिला की संपत्ति का भी कानूनन तौर पर अभी बंटवारा हुआ या नहीं, इस पर भी जानकारी के बारे में बात करें तो शर्मिला टैगोर की अपनी जो संपत्ति है, जो पटौदी परिवार की संपत्ति से हटकर उनके बंटवारे हो चुके हैं। शर्मिला ने अपने बच्चों के बीच ऑलरेडी संपत्ति को बांट दिया है।